हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। मैं हूँ स्वाति और आप लोगों के लिए लाई हूँ इमला का वीडियो। कक्षा 9 और 10 के बच्चे इसको अटेम्प्ट करें। पाठ का नाम है ततारा वामीरो कथा और ये है कक्षा 10 की ही किताब से। ध्यान से आपको सुनकर लिखना है, उसको आपको अपने मन में दोहराते हुए ही लिखना है ताकि आप अपना उच्चारण भी शुद्ध कर सकें, क्योंकि ज्यादातर गलतियां तभी होती हैं लिखने में जब आपका उच्चारण सही नहीं होता है। आपको मात्राओं का ज्ञान तभी होगा शुद्ध रूप में जब आप शुद्ध रूप में उसको बोलना शुरू करेंगे। इसलिए बोलना भी शुद्ध बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि जो मैं बोलती हूँ उसको आप भी दोहराया करिए, और पूरा वीडियो खत्म होने के बाद जितनी आपकी गलतियां निकलेंगी स्लाइड से आप उसको चेक कर लीजिएगा। जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उसको शुद्ध रूप में लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक तो जरूर कर देना, मेरे पास सिर्फ एक यही मोटिवेशन है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। और चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करें। ठीक है, ध्यान से सुनकर लिखना शुरू करिए। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनह शनह क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा
निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता है गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंत में उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में
बेसुध बेसुध, एक टक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी यह एक श्रृंगार गीत था यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है एकाएक एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी कक्षा 9 और 10 के बच्चों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कक्षा 11 और 12 के मैं इमला के वीडियो पोस्ट करती हूँ, आप लोग भी उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
वो तो 11, 12 की रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने शुरू कर दिए। नहीं तो करना चाहे तो 11, 12 वाले 9, 10 के वीडियोस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 9, 10 वाले 10, 11 को बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। 11, 12 के जो इमला के वीडियो हैं वो आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि लगभग एक से हैं, उनका जो कठिनता का स्तर है वो एक सा ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर किया करिए, कमेंट किया करिए मेरे वीडियोस पे, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट रहने का सिर्फ एक कमेंट ही माध्यम है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका 2 या 3 पार्ट और होंगे ततारा वामीरो कथा का, तो इसके मैं वीडियोस लेकर आऊंगी अब जो आने वाले टाइम में, ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज वीडियोस में पोस्ट किया करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।